लास्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आप मेरे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है मेरा तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को आसानी से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, इफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, देन प्रूव दैट दैट फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी एंड सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत ही शानदार सवाल है और मजेदार सवाल है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो आप बने रहिए डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ। देखिए गिवन क्या है और बड़े आसान तरीके से हम करेंगे इसको, ताकि आप एग्जाम में अगर इसको डिलीवर करें तो आपको फुल ऑन फुल स्कोर करने को मिलेगा। एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ये हमें गिवन है। लेट दिस बी नंबर वन। अब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कहेंगे या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बोथ आर सेम थिंग्स। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम कॉन्जुगेट लेते हैं और बहुत सिस्टमेटिकली लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि योर टीचर्स वुड लाइक योर आंसर, वो आपका आंसर जरूर पसंद करेंगे। ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, और आप एग्जेम्पलरी सोल्यूशन लिखिए, ऐसा लिखें कि दूसरे देखें। तो देखिए अभी हमने क्या किया, दोनों साइड का कॉन्जुगेट ले लिया। नेचुरली लेफ्ट साइड का कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। राइट साइड में आप डायरेक्ट ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी मत लिखें, पहले लिखें स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी होल का कॉन्जुगेट और रिजल्ट यूज करें, बिकॉज z टू द पावर m बार इज इक्वल टू z बार टू द पावर m, जो प्रॉपर्टी है मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज लिखी थी, आप पिछले वीडियो को देख करके प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। और अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं मुझे जरूर लिखें, तो हम अगले वीडियोस में इनके प्रूफ भी लिखेंगे। अब देखिएगा, अब हम इस बार को दोनों के लिए सेपरेट कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉन्जुगेट सी प्लस आई डी कॉन्जुगेट। क्या किया, तो अगेन कोट द प्रॉपर्टी, बार बार प्रॉपर्टी लिखे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके टीचर्स आपको बहुत पसंद करेंगे। देखिए अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस आई वाई, बिल्कुल आप ठीक समझ गए, एकदम वही जो सोच रहे हैं आप, ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। तो पार्ट वन इज प्रूव्ड, पार्ट वन इज प्रूव्ड। नाउ टू प्रूव नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए जैसा पिछली बार हमने किया था सेम कंसेप्ट, अब हम इसको नंबर टू दे देते हैं और वी शैल मल्टीप्लाई वन एंड टू, मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, वन एंड टू, वन और टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी मल्टीप्लाइड विद लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड से होगी। ये लेफ्ट हैंड वन का, ये लेफ्ट सॉरी राइट हैंड वन का, ये राइट हैंड टू का।
अब देखिए यहां वही फॉर्मूला पुराना वेल नोन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट साइड में अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल नहीं कर दे, दोनों अंडर रूट क्लब हो जाएंगे। ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी विल बी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज माइनस वन, बींग माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखें बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए हम प्रूफ के, यहां पर होल स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिए, और यहां आई स्क्वायर माइनस वन होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर भी किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए कितने शानदार तरीके से इसका प्रूफ किया है, और आप नोटिस करेंगे कि कोई भी चीज हमने जरा भी मिस नहीं की है। तो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन डॉक्टर राकेश त्रिपाठी के साथ। अब ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अगर आपको इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम आई हो तो मेरे पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो वीडियोस हैं उनको आप एक बार जरूर से देखें, वो वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में और समझने को और कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। आप अपने कमेंट्स मुझे जरूर शेयर करें, कमेंट लिखें, मेरे चैनल को मालूम ही आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बात करें, और अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर जरूर करें। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं ताकि आप घर पे उसे ट्राई करें सेल्फ, और अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो मुझे लिखें। इफ वन प्लस आई वन प्लस टू आई वन प्लस थ्री आई अप टू वन प्लस एन आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव दैट। बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे मुझे पूरा यकीन है। फर्स्ट पार्ट वन माइनस आई टू वन माइनस टू आई एंड सो ऑन अप टू वन माइनस एन आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई से। एंड सेकेंड पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, टू फाइव टेन अप टू वन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, जैसे उसमें कॉन्जुगेट लिया सबका, सेपरेट किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस आई को 1 माइनस आई से, 1 प्लस टू आई को 1 माइनस टू आई से, लाइकवाइज इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे जरूर से लिखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का है, पर बहुत ही अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। एनसीईआरटी में तो थोड़ा डायरेक्ट है, मैं घुमा के देता हूं आपको। इफ 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स देन फाइंड एक्स। छोटा सा क्वेश्चन है पर मजेदार है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। अब दोनों साइड हम क्या कर दें, इसका कॉन्जुगेट ले लें। अगर आप दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आई होल टू द पावर एक्स, और राइट साइड बींग पॉजिटिव और रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपको मालूम है कि उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज द रियल, क्योंकि उसमें आई नहीं होता है। तो ये हो जाएगा, अब आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें। छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा और मजेदार क्वेश्चन। 1 इंटू 2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर एक्स 1 माइनस आई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स इंटू 2 टू द पावर एक्स। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल टू द पावर एक्स
2 टू द पावर x होल स्क्वायर, ये देखिए क्या बन गया आपका 1 प्लस i स्क्वायर बीइंग माइनस 1, ये बन गया प्लस और ये बन गया 2 टू द पावर 2x. दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर x, लेफ्ट साइड बन गई 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2x, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2x. अगर x 2x के बराबर है तो x उधर भेज दें आप, कैंसिल मत कर दीजिएगा x x, 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0. छोटा सा सवाल है पर बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. एक रिजल्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जुड़ा, उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी आप देखिए. रिजल्ट कुछ इस तरह से है, z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर. तो मॉड्यूलस भी समझ लें आप पहले, छोटा सा कंसेप्ट कि मॉड्यूलस क्या चीज है, ताकि आपको जब हम पोलर फॉर्म करेंगे पोलर फॉर्म तब आपको मॉड में दिक्कत नहीं आएगी. तो मॉड ऑफ z क्या होता है, तो z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, सपोज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, तो ये a है और ये डिस्टेंस b है, जैसा कि हमको मालूम है ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है. ये जो प्लेन है इसको कहते हैं आर्गन प्लेन, ए आर जी ए एन डी, आर्गन प्लेन. इसे यहां कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह आर्गन प्लेन कहते हैं. ये तो ये ओ है, लेट द पॉइंट पी बी दिस, मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है, तो जो मॉड जेड है मॉड्यूलस ऑफ जेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड, इसको ऐसे कहते हैं मॉड ऑफ जेड मॉड्यूलस ऑफ जेड, आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से जानते हैं. ये मॉड ऑफ जेड होता है ओपी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन ओपी, एंड दिस वैल्यू विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देयरफॉर मॉड जेड इज फाइनली रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमें प्रूव करना है ताकि हम इसे ध्यान रख पाए. तो ध्यान रखने के लिए देखिए आप आगे बढ़ेंगे और इसका प्रूफ देखते हैं. बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, लेफ्ट साइड LHS इज इक्वल टू z इंटू z बार. मान लीजिए z क्या है, लेट द z बी, मान लीजिए z क्या है a प्लस आई बी, तो z इंटू z बार क्या होगा a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीइंग माइनस वन, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और आप देख सकते हैं व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि ये रूट है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका मॉड जेड स्क्वायर. सो कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, इस पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे. तब तक आप मेरे जो पिछले वीडियोस हैं वो देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स डिस्कस करूंगा, सभी सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करने से हेजिटेट ना करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताइए. मैं वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, मैं हूँ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी. विश यू गुड लक.